तो भाई जो बैकग्राउंड में आप लोगों को गेम प्ले देखने को मिल रहा है वो मैंने 1080p 60fps की क्वालिटी में सिर्फ एक 13,000 रुपए के एंड्रॉइड स्मार्टफोन से कैप्चर किया है। एंड जिस स्क्रीन रिकॉर्डर का मैंने यूज किया उसी के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूं, ताकि आप लोग भी मेरी तरह बिना किसी लैग के अच्छी खासी क्वालिटी में अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर पाऊं। ऑल्सो आप लोगों को मैं इसकी बेस्ट सेटिंग्स भी बता दूंगा, प्लस एंडिंग में कुछ टिप्स भी रहेगी जो आप लोगों को स्मूथली स्क्रीन रिकॉर्ड करने में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। सो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जिस स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो रहने वाला है नन अदर देन AZ स्क्रीन रिकॉर्डर। ये स्क्रीन रिकॉर्डर आप लोगों को आराम से प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। एंड मेरे हिसाब से इस टाइम पे इससे बेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर आप लोगों को एंड्रॉइड के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। देखो इस वाली वीडियो को बनाते टाइम मैंने बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर ट्राई किए, बहुत सारे मतलब भाई 8 से लेकर 9 स्क्रीन रिकॉर्डर्स मैंने फोन में ट्राई करके देखे। सभी स्क्रीन रिकॉर्डर्स में से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे इसी में देखने को मिली। अदर रिकॉर्डर्स में लैग मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था। इवन अगर मैं क्वालिटी को 720p कर दे रहा था फिर भी वो लैग कर रहे थे। बैकग्राउंड में मैं एक क्लिप भी चला दूंगा जो मैंने ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करी थी। डिफरेंस आप लोग कंप्लीटली देख सकते हो। TDM का गेम प्ले मैंने ग्लिप से रिकॉर्ड किया है जो कि बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। वहीं पे भाई मेरा इरहंगल का गेम प्ले इतना स्मूथ चल रहा है वो भी न्यू इवेंट में। इस चीज से आप लोग कंपेयर कर सकते हो कि इस टाइम पे ये वाला रिकॉर्डर कितना ज्यादा सिक परफॉर्मेंस आप लोगों को प्रोवाइड कर पा रहा है। नाउ फटाफट से हम लोग इसकी बेस्ट सेटिंग्स की तरफ बढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे लास्ट में सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आप लोगों ने सिंपली उसी पे क्लिक करना है। देन रेजोल्यूशन आप लोगों को अपने डिवाइस के हिसाब से रखना है। सबसे पहले तो भाई आप लोग रेजोल्यूशन को 1080p रख के देखो। अगर गेम में आप लोगों को लैग देखने को मिलता है उस केस में वापस आना एंड रेजोल्यूशन को भाई आप लोगों ने कर देना है 720p। बाकी डिवाइस के हिसाब से बता दूं तो 15-20 हज़ार का अगर आपके पास फोन है उस केस में आप लोग 1080p रख सकते हो, अदरवाइज 720p ही आप लोगों ने रखना है। वीडियो क्वालिटी के साथ भी सेम ही सीन है। अगर आपके पास 20-25 हज़ार का फोन है उस केस में आप लोग इसे 12 या फिर 16 रख सकते हो, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि इसे 8 या फिर 10 Mbps ही आप लोगों ने रखना है। मैं तो 8 Mbps रख के यूज करता हूं एंड उसमें मुझे लैग बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है, बट 8 से नीचे आप लोगों को नहीं करना है, उस केस में आप लोगों को उतनी अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। नाउ FPS के बारे में बात करें तो अगर आप लोगों का फोन BGMI में 60fps सपोर्ट करता है उस केस में आप लोग यहां पे FPS 60 भी रख सकते हो, अदरवाइज अगर आप लोगों का फोन 40fps ही सपोर्ट करता है उस केस में आप लोग 40fps ही इसे रहने देना। बाकी इसे भी आप लोग अपने फोन के हिसाब से ऊपर या फिर नीचे कर सकते हो। मेरे फोन में मैं इसे 60fps में ही यूज करता हूं। देन ओरिएंटेशन को आप लोगों ने लैंडस्केप कर देना है। ऑडियो सोर्स को इंटरनल ऑडियो पे कर देना। अगर इंटरनल प्लस माइक्रोफोन रखना चाहते हो तो वो चीज भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जितनी भी छोटी मोटी सेटिंग्स बचती है वो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड अगर और कोई सेटिंग आप लोग कस्टमाइज करना चाहते हो वो चीज आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड इतनी सेटिंग्स करने के बाद आप लोगों को लैग फ्री गेम प्ले देखने को मिल जाएगा अपना। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं जो कि आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में हेल्प करने वाली है। सबसे पहले जब भी आप लोग किसी भी फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो मेक श्योर करना कि उस वाले फोन में स्टोरेज खाली रहनी चाहिए, क्योंकि देखो जैसे जैसे आप लोगों की स्टोरेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप लोगों की फोन की परफॉर्मेंस भी डाउन होती जाती है। प्लस अगर रिकॉर्ड करते करते स्टोरेज भर जाएगी तो हो सकता है कि आप लोगों का रिकॉर्डर क्रैश हो जाए। इसलिए मेक श्योर करना कि डिवाइस की एटलीस्ट आप लोग 30-40% स्टोरेज को खाली रखो। इसके अलावा आप लोग जब भी गेम खेलने जाओ उसके पहले आप लोग अपने जो डिवाइस रहता है उसके अंदर क्लीनर वगैरह जो डिफॉल्टली आता है पहले से उसे यूज कर सकते हो और अपने फोन को ऑप्टिमाइज वगैरह कर सकते हो उसी के थ्रू। इससे भी आप लोगों को थोड़े टाइम तक की अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप लोग लॉन्ग गेमिंग सेशन वगैरह करते हो उस केस में आप लोग गेम को क्लोज करके बीच में भी ये चीज को कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को कुछ इन गेम सेटिंग्स बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एडवांस कंट्रोल्स में आ जाना है। जहां पे सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो रिकॉर्डिंग की आप लोगों को 2 सेटिंग्स देखने को मिलेगी, डेथ रिप्ले और हाईलाइट मूवमेंट्स करके कुछ सेटिंग्स रहने वाली है यहां पे। दोनों को ही आप लोगों ने ऑफ कर देना है। इसके अलावा ग्राफिक सेटिंग्स वगैरह तो आप लोगों को पता ही है कि हमेशा आप लोगों ने अपने गेम को स्मूथ में रख के ही खेलना है। बाकी FPS आप लोगों ने मैक्स रख लेना है अपने फोन के हिसाब से, जो भी आप लोगों के फोन में अनलॉक्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा डिफॉल्टली। लाइक मेरे केस में मुझे एक्सट्रीम देखने को मिल जा रहा है। इसके अलावा स्टाइल आप लोगों ने क्लासिक या फिर सॉफ्ट में रख के खेलना है। दोनों ही स्टाइल्स में आप लोगों को लैग कम देखने को मिलता है। एंड ऑडियो में जाके भाई हो सके तो अपने ऑडियो को हाई पे कर लेना अगर अल्ट्रा पे सेट होगी तो, क्योंकि ऑडियो अल्ट्रा पे करने से भी आप लोगों के गेम पे बर्डन पड़ता है। देन रिसोर्स पैक वगैरह आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करने हैं। देन जो मैप्स आप लोग ज्यादा नहीं खेलते हो उन्हें आप लोगों ने डिलीट कर देना है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट टिप पूरे वीडियो की, गेमिंग के टाइम पे मेक श्योर करना कि आप लोग अपने फोन को हीट मत होने दो। अब इस चीज के लिए आप लोग 2 चीजें कर सकते हो। पहला तो आप लोग फैन वगैरह यूज कर सकते हो जो आप लोगों को फोन वगैरह के लिए देखने को मिल जाते हैं, या फिर आप लोग एक डेडिकेटेड फोन कूलर बाय कर सकते हो। वो चीज भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि भाई देखो अगर आप लोगों का फोन हीट करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस हीटिंग को कम करने के लिए ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है। ये चीज भाई ऑलमोस्ट सभी फोन्स में होती है, चाहे आप लोग एंड्रॉइड की बात कर लो या फिर आईफोन की बात कर लो। देखो आप कोई भी फोन ले लो हीट वो हमेशा करेगा ही करेगा गेमिंग के टाइम पे। मेरे पास आईफोन 13 है एंड ये लिटरली भाई BGMI खेलते टाइम तवा बन जाता है, और हीट होने के बाद मुझे 50,000 के आईफोन 13 में भी बहुत ज्यादा लैग देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई हो सके तो हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए भाई आप लोग फोन कूलर बाय कर लेना। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कौन सा फोन कूलर आपको बाय करना चाहिए उस केस में आप लोग मेरी फोन कूलर वाली वीडियो
को देख सकते हो। लिंक उसका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी बस यार वीडियो में इतना ही। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो एंड होप आप सभी भी मेरी तरह लैग फ्री गेम प्ले रिकॉर्ड कर पाओगे अपना। बाकी हो सके तो भाई वीडियो को शेयर कर देना क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मेरी अब उतनी ज्यादा नहीं चलती है। बाकी अगर इस वाले रिकॉर्डर के अलावा आप लोगों को और कोई रिकॉर्डर पता है जो कि इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, उसका नेम भी आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।